मुझे अच्छा लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने डिसाइड किया कि इन्हीं से करना है। क्लिनिक बहुत हाइजीन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाय, माय नेम इज़ रवि, मैं हैदराबाद से हूँ। मुझे एक दो साल से हेयर लॉस ज़्यादा हो गया, तो मैंने दोस्तों से और रिलेटिव्स से बातचीत की, क्लिनिक्स को कंसल्ट किया मैंने, और हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक डॉक्टर किरण, तो मैंने उनसे मिला लास्ट वीक और पॉइंट्स बताया। मुझे अच्छा लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने डिसाइड किया कि इन्हीं से करना है। उसके बाद मैंने पुणे टीम से कॉन्टैक्ट की, प्री सर्जरी पोस्ट सर्जरी क्या होता है वो सब बातचीत मैंने कर दिया, और आज मेरा सर्जरी प्लान हो चुका। मैंने थोड़ा रिजल्ट्स देखे, लाइव एग्जाम्पल्स देखा मैंने, उनसे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा भी ऐसा हो सकता है। मैंने एलोपेक्सी ट्राई किया एक साल, ज्यादा रिजल्ट नहीं आया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ट्रांसप्लांटेशन का कुछ शुरू किया। हेलो गाइस, एस्टरडे मेरे डॉक्टर से मेरा बातचीत होगी कि मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है। मेरा एक्सपेक्टेशंस है कि फ्रंट एरिया ज़्यादा लॉस हो गया और क्राउन एरिया ज़्यादा लॉस हो गया, और बीच में थोड़ा हेयर था। तो डॉक्टर ने बोला कि इधर 2500 करेंगे, इधर 1500 टू 2000 तक करेंगे। दोनों के आइडियाज़ और उनके एक्सपर्टीज को मिला के मैं एक प्लान बनाया। टेम्पल्स को टच नहीं किया के बाद बाल काट दिया पूरा। डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर रेशम एक्सट्रैक्शन करेगी, स्लिप मेकिंग डॉक्टर किरण करेंगे, टेक्नीशियंस इम्प्लांट करेंगे। मेरा 4500 ग्राफ्स का प्लान था, तो दो दिन के लिए प्लान बनाए थे, मैं भी ठीक था उसके लिए। तो पहले फर्स्ट डे 2500 टू 2600 फ्रंट एरिया का प्लान था, एस्टरडे रेक्ट किया और सब अच्छा है। के बाद थोड़ा लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक के बाद इम्प्लांटेशन शुरू होता है, वो भी 3 घंटा लगता है। फर्स्ट डे और सेकंड डे के बीच में जो करना है वो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, जो जो मेडिसिन लेना है उसके बारे में एक ब्रीफ किया जाता है। और आज सुबह 10-11 बजे तक मैं इधर होता हूँ। जब भी मैं ब्रेक के लिए पूछा, वो ब्रेक लिया, वो समझते हैं अपना पेन, ये अच्छी बात है। और उसके बाद डॉक्टर रेशम ने मुझे ब्रीफ किया। क्लिनिक बहुत हाइजीन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टाफ भी बहुत पोलाइट है, जो टेक्नीशियन है, डॉक्टर्स है, सब पोलाइट से बात करते हैं, तो लगता है कि मैं इधर सेफ हूँ, मेरा रिजल्ट भी अच्छा होगा ऐसा लगता है। फॉर गुड रिजल्ट्स गो टू हेयर फ्री हेयर ग्रोथ।